Assalamu alaikum students, how are you? Fine, I hope you are all doing good in your studies too. Good. जी students, कल हमने क्या पढ़ा था? Who will tell me? Who will revise the lesson of tomorrow? जी हमने पढ़ा about number sequence. What is number sequence? Numbers that are arranged in order. Numbers that are arranged in order. That are arranged in specific order. You see? Arranged in specific order. ये specific order को हमने define किया था, इसको एक special name दिया था और वो क्या था? जी इसके लिए हमने एक नाम दिया था, वो था रूल. स्पेसिफिक ऑर्डर को हमने क्या बोल दिया था? रूल. एक और हमने वर्ड यूज किया था टर्म. द नंबर्स एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिर उसके ऑनवर्ड. ओके जी, आई एम राइटिंग सम नंबर्स 4, 8, 12, 16 and 20. What is this? जी this is a number sequence. क्या है ये? Number sequence. What is its first term? 4. Very good. What is it fifth term? 20. Good. And what is its third term? 12. 4 is first term, second term, third term, fourth term, and the last one is fifth term. Okay? What is the rule for this sequence? अब हमने इसके लिए रूल को भी डिफाइन करना है. What is the rule for this sequence? देखिए, 4 में हमने क्या ऐड किया था? हमारे पास 8 आ गया. प्लस किया हमने 4. फिर 8 में हमने क्या ऐड किया? 12 आ गया प्लस 4. सो द रूल इज फॉर दिस सीक्वेंस इज स्टार्ट विथ 4 एंड देन ऐड. रूल फॉर दिस सीक्वेंस इज स्टार्ट विथ 4 एंड देन ऐड. Minus 14.
बाय एडिंग 5 वी गेट नेक्स्ट टर्म. सो आप इस रूल को कैसे लिखेंगे? स्टार्ट विथ 14 एंड देन एड 5 टू गेट नेक्स्ट टर्म. ओके, अच्छा अब 34 से नेक्स्ट टर्म में कैसे फाइंड आउट करेंगे? 34 में आप देन अगेन 5 को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेक्स्ट टर्म विच इज 39. एंड टू फाइंड द लास्ट टर्म 39 में फिर अगेन आपने क्या ऐड करना है? 5. 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44. सो द लास्ट टर्म इज 44. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू क्लियर इज दैट कि आप इस पूरे रूल को इस तरह लिखने की बजाय आप एक टेबल रो करें. फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी कॉपी पे टेबल रो कर लिया है. टेबल लाइक इस तरह से ये आपने लिखा, यहां आपने लिखा सीक्वेंस. ठीक है, लाइन ड्रॉगी रूल, लाइन ड्रॉगी नेक्स्ट टू टर्म. ओके, अब हमने क्या किया? सीक्वेंस लिख लिया. फर्स्ट सीक्वेंस इज 40, 19, 24 एंड अप टू 100. रूल इसके लिए हमने क्या किया है? एड 5, प्लस 5 लिखते हैं या फिर आप लिखते हैं एड 5. एंड द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 39 एंड 44. ओके, इसी तरह हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं 80, 72. अब यहां आपके पास 80 है, देन 72, 64, 56 एंड देन 48 डिक्रीज होते जा रहे हैं. तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ये चेक करेंगे ये डिवाइड तो नहीं हो रहा कहीं, या फिर आपके पास ये कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा इसको. सो 80 एंड 72, एक बात तो क्लियर है कि ना इसमें एडिशन इन्वॉल्व है ना मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज दिस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस. डिक्रीजिंग सीक्वेंस मीन्स के नंबर छोटे से छोटा होते जा रहा है. तो 80 माइनस 72 इज 8, 72 माइनस 64 इज ऑल्सो 8, 64 माइनस 56 इज 8 एंड 56 माइनस 48 इज ऑल्सो 8. सो व्हाट इज द रूल फॉर दिस सीक्वेंस नाउ? सब्ट्रैक्ट 8 फॉर ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म. तो अब आप मुझे ये बताएंगे इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 48 के बाद क्या होगा? 48 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ गई है? 40. एंड देन अगेन 40 में से हमने माइनस किया 8 तो हमारे पास लास्ट टर्म आ गई विच इज 32. तो अब आपने इस सीक्वेंस को लिखना कैसे है? बी पार्ट
92, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने चेक किया कि ऐड करने से 6 में 6 ऐड किया 12, लॉस वर्क में चेक करें 6 में 6 ऐड किया तो हमारे पास आ गई 12, नेक्स्ट आप। लेकिन 12 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आती है 18, बट आर थर्ड टर्म इज 24, तो कंट्राडिक्शन आ गई, इट मींस वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। तो अब हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। जी 6, 12, 24, 48, 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें टू गेट 12, 6 × 2 = 12, ठीक है, एंड 12 × 2 = 24, इट मींस कि हमने मल्टीप्लाई
बाय टू, टू से डिवाइड करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है, ठीक है। तो अब हम इसको टेबल में वैल्यूज पुट करते हैं अपनी, डी पार इज 1600, 800, 400, 200 अप टू 100। तो व्हाट इज रूल फॉर दिस सीक्वेंस, डिवाइड बाय टू, आप इस तरह लिखते हैं या फिर आप लिखते हैं डिवाइड बाय टू। एंड नेक्स्ट टू टर्म्स आर 50 and 25, ओके। नाउ पार्ट ई इज सी अनदर एग्जांपल, पार्ट ई कॉपीज, ओके। इसी तरह आपने टेबल ड्रॉ करना है, रफ वर्क में आपने सारी कैलकुलेशंस करनी है और टेबल में आपने रूल और टर्म्स को स्पेसिफाई कर देना है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।